तो नमस्कार, मैं हूं रमेश शर्मा। मेरे YouTube चैनल पहाड़ी लोक संस्कृति में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज पहुंचा हूं मैं दोस्तों सब्जी मंडी सोलन, और सब्जी मंडी सोलन से आपको देता हूं डेली दैनिक बाजार भाव। आज भी मैं इसी कड़ी में आपके साथ जुड़ा हूं। तो आज हम पहुंचे हैं दुकान नंबर 25 जिमीदारा फ्रूट कंपनी, और उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस समय जो टमाटर के रेट हैं किस तरह रहने वाले हैं, और टमाटर का जो भाव है कब तक बढ़ने के आसार हैं। तो चलिए बात करते हैं अब सुरेश ठाकुर जी से। दोस्तों, ये है जिमीदारा फ्रूट कंपनी शॉप नंबर 25, और इसके प्रोपराइटर हैं श्री सुरेश ठाकुर जी, और इनसे अब जानने का प्रयास करते हैं। ये टमाटर के जो है थोक विक्रेता हैं, और लगभग बहुत सारा टमाटर हमारा जो लोकल है इनके पास आता है। तो अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सुरेश कुमार जी, हमारे YouTube चैनल पहाड़ी लोक संस्कृति में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो सुरेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो आपके पास ये सुंदर टमाटर जो आ रहा है, ये कौन कौन से क्षेत्रों से आ रहा है? ये सोलन के आसपास का एरिया है सर, कायलर, घट्टी, बेरटी जी, और ये सेरी गांव जी, और कंडा घाट जी, यहाँ से लोकल टमाटर चला है। और अभी थोड़े दिनों बाद बारिश के कारण जो हमारा टमाटर खराब हुआ, तो उसके कारण ये धीरे धीरे टमाटर आना शुरू हुआ। तो सुरेश जी, इसका मतलब ये है कि जो बारिश नहीं हो पाई है इसके कारण टमाटर की जो फसल है वो खराब हुई है? हाँ जी, उसका भी असर पड़ा है। और जो मार्च और अप्रैल में ओलावृष्टि जो हुई है उसके कारण भी ये जो टमाटर दोबारा लगाए लोगों ने, उससे काफी फर्क पड़ा था उसका। ठाकुर साहब, अब हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लॉकडाउन के दौरान जो जिमीदारों को है, किसानों को जो बहुत अच्छे रेट मिले थे, और सभी फसलों के जो भाव थे वो काफी बड़े हुए थे, लेकिन इस समय बाकी फसलों को छोड़कर अगर विशेषकर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर का रेट 10, 11 रुपए, 12 रुपए चल रहा है। तो क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि इसके जो रेट्स हैं इनके बढ़ने की कोई संभावनाएं आपको नजर आ रही है? पिछले साल जो टमाटर का रेट था वो था 800-900 हजार रुपए के आसपास, क्योंकि उस टाइम जो जयपुर के पास चोमू जगह है वहाँ का टमाटर खराब हो चुका था, और उस दौरान हमारा यहाँ टमाटर बहुत अच्छा बिका। इस साल वहाँ फसल बहुत अच्छी है, जयपुर के आसपास चोमू जगह वहाँ फसल बहुत अच्छी है, और वहाँ का जो भयंकर टमाटर चला हुआ है उसने हमारा हिमाचल का रेट गिरा दिया। और यहाँ सुंदरनगर उसका भी टमाटर काफी थोक में इस बार चल रहा है, जिसके कारण यहाँ सोलन मंडी में मंदे का कारण देखना पड़ा। तो ठाकुर साहब, जैसा हमने जानने का भी प्रयास किया है कि इस बारी जो टमाटर है इसकी जो फसल है बहुत ज्यादा किसानों ने लगाई है, और प्रदेश के हर हिस्से में अब लोग टमाटर उगा रहे हैं, क्या इसका भी कोई असर पड़ा है फसल अधिक होने का? नहीं, यहाँ पे जो भी टमाटर आता है उसका असर इतना नहीं पड़ता। जब बाहर का जो टमाटर चलता है राजस्थान का आसपास, वहाँ की अगर अधिक फसल होती है तब यहाँ पे असर पड़ता है। पिछले साल वहाँ कुछ कम था, यहाँ पे ठीक दिखता है। अब धीरे धीरे बारिश हो चुकी है, वहाँ टमाटर जिस तरह खत्म होता है या खराब होएगा, तो यहाँ की फसल अच्छे रेट पे जाएगी, यहाँ का टमाटर अच्छे दाम पे बिकेगा। अब दो चार दिनों से वहाँ पे टमाटर की लागत कुछ कम है, तो यहाँ का हिमाचल का रेट बढ़ गया है। परसों 250 था, तो आज 400 रुपये 431 रुपये तक यहाँ सोलन मंडी में टमाटर बिका है। तो अंत में अब ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो टमाटर के रेट्स हैं इनके कब तक जो एक ठीक स्थिति में टमाटर का रेट आएगा, कब तक आपको लगता है कि ये जो अभी जो कल और परसों बारिश हुई, इस बारिश के कारण टमाटर की जो ये जो अच्छा टमाटर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के कारण टमाटर कुछ खराब हो चुका था यहाँ पे। अब टमाटर की फसल जो आएगी, अब जो नया टमाटर आएगा, जैसे आप देख रहे हैं ये टमाटर, ये बहुत अच्छा आ चुका है, और इसका रेट आज 400 रुपये है। पिछली बार जो भी थोड़े दिन पहले था वो खराब हो चुका था टमाटर, उसमें दाग था टमाटर में, तो ये अब जो टमाटर आ रहा है बहुत अच्छा टमाटर हो गया है, तो इसके कारण अब रेट बढ़ जाएगा। तो सुरेश ठाकुर जी, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, जैसा आपने देखा और सुना कि टमाटर जो अब है वो बढ़िया किस्म का आना शुरू हो चुका है, और रेट धीरे धीरे टमाटर के बढ़ने शुरू हो गए हैं, और कुछ ही दिनों में टमाटर के जो रेट हैं वो
किसानों को ठीक मिलना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आज टमाटर बिका है 8 रुपए से 18 रुपए प्रति किलो और शिमला मिर्च आज रही है 18 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो। फ्रांस बीन आज रही है 15 रुपए से 28 रुपए प्रति किलो और गाजर आज बिकी है 21 रुपए प्रति किलो। बंद गोभी आज रही है 15 रुपए से 18 रुपए किलो तक और फूल गोभी आज बिकी है 38 रुपए प्रति किलो। हरा धनिया आज रहा है 30 रुपए से 50 रुपए तक और मटर हरा आज बिका है 55 रुपए प्रति किलो। बैंगन आज बिका है दोस्तों 22 रुपए प्रति किलो और कद्दू आज रहा है 14 रुपए प्रति किलो। खीरा आज बिका है 10 रुपए से 15 रुपए प्रति किलो तक और आलू आज रहा है 15 रुपए प्रति किलो। मूली आज बिकी है 18 रुपए प्रति किलो और भिंडी आज रही है 20 रुपए प्रति किलो तक। घिया आज बिका है 24 रुपए प्रति किलो और प्याज आज रहा है 27 रुपए प्रति किलो। करेला आज बिका है 15 रुपए से 20 रुपए तक और लहसुन आज रहा है 70 रुपए प्रति किलो। अदरक नया और पुराना आज बिका है 75 रुपए प्रति किलो और मशरूम आज बड़े उछाल के साथ बिका है 145 रुपए प्रति किलो। हरी मिर्च आज रही है 45 रुपए प्रति किलो और पालक आज रहा है 18 रुपए प्रति किलो। अरबी आज बिकी है 20 रुपए प्रति किलो और तोरी आज रही है 18 रुपए प्रति किलो। फलों में सेब बिका है 60 रुपए से 125 रुपए प्रति किलो तक और पपीता बिका है 35 रुपए प्रति किलो। नींबू आज रहा है 45 रुपए प्रति किलो और अनार आज दोस्तों बिका है 65 रुपए प्रति किलो। खुरमानी आज बिकी है 35 रुपए प्रति किलो और केला आज बिका है 24 रुपए प्रति किलो। मौसमी आज रही है 100 रुपए प्रति किलो और आम आज रहा है 40 रुपए प्रति किलो और पलम आज बिका है 30 रुपए प्रति किलो। अनानास आज बिका है 50 रुपए प्रति किलो और तरबूज आज रहा है दोस्तों 18 रुपए प्रति किलो। आड़ू आज बिका है 30 रुपए प्रति किलो और नाशपाती रही है 50 रुपए प्रति किलो। तो ये थे आज के बाजार भाव। नमस्कार।